क्या हाल है, कैसे आप लोग, ठीक ठाक है? लश्मशा मजे में है। और मैं इतनी तेज चीज को बोल रही हूँ कि मुझे देर हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि खवातीन को कितने मसले मसाइल होते हैं जब किसी शादी पे, किसी इवेंट पे, किसी फंक्शन पे जाना होता है, तो लास्ट मोमेंट पे तैयार होना होता है। तो 7 बजे का टाइम था कार्ड पे और 7 बज चुके और मैं भी रेडी भी नहीं हूँ। एनीवेज, राइट था, लाइक भाई के एक कोलीग है, उनकी शादी है और आज वलीमा है, सो आई हैव टू गो क्योंकि मैंने कमिटमेंट कर ली थी और भाई से भी कमिटमेंट थी। और आज ही के दिन मैंने 2 वीडियोस और शूट की हैं जो कि इंशाल्लाह आपको इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिलेगी। नादिया खान का इंटरव्यू किया, काफ़ी बिजी दिन था और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। सो मुझे जल्दी से तैयार होना है। अब मसला ये होता है, पता है कि अगर आपने किसी और की शादी पे जाना है, आपकी फैमिली में शादी नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि आप ओवर भी ना लगे और ऐसा भी ना लगे कि आप किसी का इवेंट जो है ना हाईजेक कर रहे हैं, कि वो मतलब देख के ही लगे कि ऐ दूल्हे दी पहने, तो ये वाला सीन नहीं होना चाहिए। तो मैं पहनने क्या वाली हूँ, कोशिश ये करेंगे किसी वलीमा पे जा रहे हैं या किसी के भी इवेंट और पे जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ जितना मिनिमम कर सकते हैं उतना करें। बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएंगे तो वो बहुत बुरा लगेगा और फिर सब की जो नज़रें में फोकस आप पे रहता है। तो खैर, इट्स योर चॉइस, बट मैंने क्या चूज़ किया है आज पहनने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ट्यूटोरियल आपसे शेयर करने वाली हूँ और मैं पहनने क्या वाली हूँ ये भी बताती हूँ। जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आप किसी एक ऐसे इवेंट पे जा रहे हैं जो कि आपने 1-1.5 घंटे के लिए जाना है और किसी और के इवेंट पे जाना है, तो प्लीज़ फजूल खर्ची मत करें। घर पे जो भी आपका ड्रेस पड़ा हुआ है उसको यूज़ करें, क्योंकि हम लोग इतने फैंसी पहनते तो है नहीं। ये पहन के मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ट्राउज़र है मैरून, ये शर्ट है हिजाब और उसके साथ पे दुपट्टा, दुपट्टा ये होगा। ठीक है, अब फ़ौरन से चेंज करते हैं। और वो से 3 चीज़ें सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं प्राइमर यूज़ करने वाली हूँ, मेबेलिन का, मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन है, जो लोग पहले ट्यूटोरियल देख चुके हैं दिनोज में, ये यूज़ करती हूँ। इसके अलावा प्रीति बाय फॉर्मर प्रेस पाउडर है, वैसे मैं मुसर्रत मिसबा का यूज़ करती हूँ, तो वो मेरा पता नहीं कहाँ गुमा हुआ है। और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमर लिया और ये बिहाइंड द सीन आवाज़ें आ रही होंगी खाने पीने की, तो आपने देखा होगा पिछली एक वीडियो में कि सवेर आई हुई है और चल रहा सीन। तो प्राइमर किया। अच्छा, प्राइमर लगाना इसलिए भी ज़रूरी जो कि मैंने अब जाके सीखा है कि फाउंडेशन आपकी जो है स्टेबल रहे, बिकॉज मेरी कॉम्बिनेशन स्किन होती जा रही है, फाउंडेशन कभी ड्राई हो जाती है, कभी कुछ इश्यूज होते हैं। और ये बिहाइंड द सीन तो नहीं बन रहे, BTS बन रहे आई थिंक वीडियो के। एनीवेज, एक पंप काफ़ी है, बहुत मिनिमल बेस रखनी है आपने, कोई केक नहीं बनना प्रॉपरली। और इसी तरह से मैंने केक बनना दोबारा बोल रहा, आपने बहुत मिनिमल सी फाउंडेशन रखनी है, कोई केक नहीं बनना, तो एक पंप काफ़ी है और फोरहेड कवर हो। अच्छा, हिजाब के बड़े फ़ायदे हैं यार, मुझे गर्दन पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जो लोग हिजाबियंस नहीं है उनका प्रॉब्लम ये होता है। अब एक और बात था तो मैं कोई जज नहीं कर रही, इससे पहले फतवे आए मेरे पे, तो होता सीन कुछ हुए हैं कि आपका जो फेस है उसका तो कलर बड़ा माशाल्लाह चमक रहा होता है और गर्दन के वस्ते होते, तो अगर आप हिजाबियन नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपकी जो नेक है वो भी उसी फाउंडेशन से कवर हो। ऑलराइट, सो आई थॉट कि वक्त कम और मुकाबला सख्त, सो वक्त बचाते हुए इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। फाउंडेशन यहाँ पे मैं लगा चुकी हूँ, अब मैं यूज़ करूँगी प्रेस पाउडर, और प्रेस पाउडर का मैं बता चुकी हूँ ब्रांड। और उसके बाद मैं आईब्रो किट निकाल रही हूँ नादिया हुसैन के ब्रांड की, जो कि बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी पिगमेंटेड है, और आईब्रोज़ आपके बहुत अच्छी शेप में होना लाजिम है, अदरवाइज आई मेकअप उस तरह से इन्हेंस नहीं हो पाता। यहाँ पे मैंने ये जो मुझे आई शेड्स हैं ये मुझे एक ब्रांड की तरफ से आए थे, तो मैंने 1 या 2 कलर्स इसमें यूज़ किए, आई शेड लगाया। उसके बाद ग्लिटर आईलाइनर है जो कि पेंसिल लाइनर है, वो मुझे ज़्यादा सूट करता है, मेरे लिए इजी रहता है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ, वो लगाया। और उसके बाद मस्कारा, और ये लुक तैयार है। अच्छा, मिरर मैं खुद यूज़ कर रही थी देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नज़र नहीं आ रहा था। ब्लश मैं इससे लगा रही हूँ क्योंकि ब्रश उस टाइम मिल नहीं रहा था, इधर उधर था, और कैमरा सेट था, तो मैं अगर हिलती ज़्यादा तो यू नो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो बेसिक सा मेकअप है ये। अब उसके बाद हम ले रहे हैं लिप ग्लोज, और लिप ग्लोज मैं लगा रही हूँ जनाब वही नादिया हुसैन के ब्रांड का, जो कि मैंने शायद एक और वीडियो में दिखाया था ऑलरेडी। सो दैट्स इट। सो जी, मेकअप इज डन, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हल्का सा मुझे लग रहा है कि लिप ग्लोज थोड़ा इधर उधर जा रहा है, वो मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये वाला दुपट्टा बाय द वे मैंने रिसेंटली एक इवेंट पे हिजाब बनाया था, तो उसकी जो सेफ्टी पिन है वो ये लगी हुई थी, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के साथ भी ये होता है, अगर होता है तो कमेंट कर दें। वो कहते हैं ना कि
करते हैं सब, हैं बताता कोई नहीं, तो ये सबके घरों पे ये मसले चल रहे होते हैं कंबाइन। एक और पिन मिली है मुझे, होता है। हिजाब इज टर्न और ये है पूरी लुक। कल इवेंट करवाया था तो आपको आगे पीछे कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, इग्नोर करें, आप सिर्फ तवज्जो दें तो मेरे मेकअप पे दें, जो कि मैंने आपसे बताया, आपको बताया, आपसे बताया। ब्लशन यूज़ किया है मैंने, प्राइमर यूज़ किया है, फाउंडेशन यूज़ की है, आई शेडो यूज़ किया है, आई लाइनर, मस्कारा एंड लिप ग्लोस एंड वी आर रेडी टू गो। और अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं वॉलेट या हिजाब वॉलेट या बैग कौन सा रखूँ, बट इट्स ओके, इसको भूल जाएँ। ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो इट्स ओके, अगर नहीं पसंद आए तो आपका मसला है, मेरा भी मसला नहीं है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि टोटली फ्री है और मुफ्ते का माल पाकिस्तानियों को वैसे बड़ा पसंद है ना। सो इंस्टा पे फॉलो कर लें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।